जैसा आप देख सकते हैं अपने पास जाने माने ब्रांड आ चुके हैं। मोनो फोर चैनल टू चैनल एम्पलीफायर होता क्या? जब ये बेस फेंकेगा ना जी, तो ये फोर चैनल एम्पलीफायर है, टू चैनल एम्पलीफायर। टू चैनल हमारा कुछ इस टाइप का होता है जो एक नॉर्मल एनक्लोजर में लगाया जाता है। आपके पूरे आ गए कनेक्शंस, एक्टिव वूफर इसको बोलते हैं भैया, वूफर जिसको हम बेस ट्यूब भी बोलते हैं। हैवी वूफर भी आपका चला देगा और आपके और स्पीकर भी चला देगा। हमारे पास अंडर सीट सब वूफर भी मिल जाएगा। जैसे आप गाड़ी निकालोगे तो लगेगा कि बंदे ने सिस्टम इंस्टॉल करवा रखा अपनी गाड़ी। कौन देखे भाई, फैट कौन के अंदर अपना बूफर रहने वाला है प्रॉप। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज आप बोल रहे होगे ऋषभ भाई यार, आज इतना सारा सब बूफर लगा के क्यों बैठे हो? तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट सब बूफर, और आपको हाई एंड सब बूफर भी दिखाऊंगा, और आपको जो मतलब एक बहुत ही प्रीमियम वाले सब बूफर है वो भी दिखाऊंगा, और ऐसे सब बूफर भी दिखाऊंगा जो आपका बेस का भी काम करे और आपका इन बजट में काम हो जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को और मिलवाते हैं दीपक भाई से, लेट्स गो। भाई लोग जैसा देख रहे हो आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले हैं मिस्टर दीपक भाई। राम राम भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली रहने वाली है ना स्पीकर है ना एंड्रॉइड है, किस सब वूफर की और एम्पलीफायर की और वूफर की जो आपकी गाड़ी में एक अच्छा पंच दे। बिल्कुल ठीक जी भैया। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्या क्या सब वूफर आते हैं भैया इन बजट में? सब वूफर में 3 से 4 रेंजेस आते हैं और 3 से 4 क्वालिटीज आती है, ठीक है, जिसको एक बोलते हैं एक्टिव वूफर्स, ठीक है, जिसके अंदर इनबिल्ट आपको एम्पलीफायर मिलने वाला होता है जी, ठीक है। ठीक है भैया, जिसमें आपको जैसे कि ब्रांड्स आपको मैं दिखा सकता हूँ, एक आपको बोस्टिक हो गया, ठीक है। ठीक है भैया, इसको आपको मोनो एम्पलीफायर आपको इसके साथ मिलेगा, ठीक है, इनबिल्ट बेस कंट्रोलर भी मिलेगा क्योंकि मोनो एम्प इसका आ चुका है, ठीक है। ठीक है भैया, एक आपको बोस्टिक का मिलेगा जो एम्पलीफायर के साथ मिलेगा, ठीक है। ये मोनो एम्प हो गया, ये एम्पलीफायर हो गया। इसके कुछ शेप में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा ओपन करके, ठीक है। फिर एक आता है हाइपरसोनिक वगैरह का, आपको आपने नाम वगैरह सुना होगा, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा भैया 4500 रुपए की रेंज में, ठीक है। हाँ, एक बार ना ये बता देते हैं, ये जैसे जितनी भी बेस ट्यूब्स आती हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये थोड़ा समझाते हैं। इस टाइप से इसका कुछ एम्पलीफायर आता है, ठीक है भैया। इसके अंदर आपका वूफर होता है, ठीक है, यहाँ से आपको मैग्नेट दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपके पूरे आ गए कनेक्शंस, ठीक है। हाँ जी, इसके थ्रू आप कनेक्शन करवाएंगे, आपकी वायरिंग किट होनी चाहिए इसके लिए जी, और सब चीज इसका आपका सिस्टम का आउटपुट वगैरह सब चीज मैनेज होता है। बिल्कुल। हाँ जी भैया, ये वाले जो है इनके अंदर आपको अलग से कोई एम्पलीफायर लगा, कोई एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके सिस्टम से जो आपके वायरिंग निकलेगी वो डायरेक्ट आपके डिग्गी में जाके इसको चालू करने का पावर रखता है, ठीक है, क्योंकि इनबिल्ट एम्पलीफायर है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको बेस थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, लेकिन एक फैमिली मैन वोकल मिलता है वो आपको प्रॉपर मिलेगा इसके अंदर। हाँ जी भैया, अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या प्राइस रहने वाली है? ये अगर हाइपरसोनिक आपको प्राइसिंग जाननी है तो भैया व्हाट्सएप पे आप क्वेरी करिए, बाकी इन दोनों की जो रहने वाली है ये 4500 रुपए की रेंज में रहने वाला है। अगर ये दोनों ही 4500 है? हाँ, दोनों ही 4500 है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी लाइव वीडियो में ओपन कर रहे हैं इसको, ये देख सकते हो ये कुछ बोस्टिक कंपनी का है। इस तरीके से आपके डिग्गी में ना तो स्पेस लेगा, ठीक है, और एक इसके इंटरफेस की जरा आप कैप्चर देखिए कि कितना शानदार सा लग रहा है। शानदार लग रहा है, और इसके अंदर भी आपको इनबिल्ट जो अपना एम्प है वो मिलने वाला है मोनो एम्प। अगर मैंने मोनो एम्प बोला तो उसके साथ बेस कंट्रोलर तो भैया रहेगा। ये देखिए भाई, ये मोनो एम्प आपका इसके थ्रू ही चलता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके साथ बेस कंट्रोलर आता है, बेस कंट्रोलर ये वाला आपका 4500 रुपए का है। दोनों 4500 में दे दूंगा आपको ये दोनों, ठीक है, ठीक है। ये दोनों और वारंटी की बात करें भैया, 1 ईयर की इसमें रहती है। और भी अपने पे काफी ब्रांड है, जैसे आपको मार्केट में बॉसमैन हो गया, क्रैकर हो गया, जेएक्सएल वगैरह हो गया, वो सब भी आपको अपने पास मिल जाएगा इसी रेंज के अंदर। पैनासोनिक भी आता है, पैनासोनिक भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग सेटअप। अब हम लगाते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, जैसे थोड़ा बहुत जो एक कंपनी फिटेड स्पीकर में अच्छा खासा आउटपुट देते हैं, जैसे JBL वगैरह हो गया, हाँ जी, हाँ जी, या पाइनियर हो गया इनबिल्ट में, हाँ जी, वो सब आपको मैं कैप्चर करवाने वाला हूँ कि कैसा होता है वो, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर दीपक भाई आपने अब सेटअप चेंज करा है, अब हमारे पास क्या रेंज में सेटअप है भैया? अब हमारे पास जो रहने वाला है वो एक अच्छा सा वोकल रहने वाला है जो आपको अच्छा खासा बेस देगा, ठीक है, और आपके जो कंपनी फिटेड स्पीकर है, चाहे आप हमसे स्पीकर अपग्रेड कराते हैं, ठीक है, जो हमने स्पीकर की वीडियो डाली उसको देख करके, हाँ जी, तो आपको प्रॉपर उसके बारे में पूरी नॉलेज मिलने वाली है कि होता क्या फोर चैनल एम्पलीफायर, ठीक है, होता क्या मोनो एम्पलीफायर, ठीक है, सब वूफर क्या होता है, वूफर क्या होता है, पेटी क्या होता है, वो सब मैं आपको इसमें कैप्चर करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी भैया, स्टार्टिंग से बात करें तो एक जैसे सब वूफर आपने बहुत सुना होगा जी, सब वूफर हमारा कुछ इस टाइप का होता है जो एक नॉर्मल एनक्लोजर में लगाया जाता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो JBL 1300 वाट, ठीक है, आप ये देख सकते हैं प्रॉपर, ये जो आइटम रहने वाली है सील पैक आइटम रहने वाली है, सब वूफर 1300 वाट JBL का, ये देख सकते हो, ठीक है भैया। इसकी जो आपको प्राइसिंग रहेगी जी,
वो सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए में आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, ये विद एनक्लोजर होगा विदाउट एनक्लोजर? ये विदाउट एनक्लोजर होगा, इसके अंदर पेटी का खर्चा अलग होगा भैया। ठीक है, और जो भी एम्पलीफायर आपको समझ आएगा उसके खर्चे अलग होंगे इसके। बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर इसके ऊपर बात करें तो नाकामिची का आपको मिल जाएगा 400 वोट RMS 600 वोट RMS में रहने वाला है। ठीक है ठीक है, ठीक है भैया। 4000 वोट का एम्पलीफायर बूफर होता है, सब बूफर। ये भैया जो आपने मेरी गाड़ी में इंस्टॉल किया, हाँ, जो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल किया था। ठीक है, बाकी इससे अगर बात करें तो ये हो गया हमारा सब वूफर। सब वूफर इसको बोलते हैं भैया, वूफर जिसको हम बेस ट्यूब भी बोलते हैं। इसको बेस ट्यूब, इसमें भी आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे, जैसे JBL हो गया। ठीक है, ब्लॉपंक हो गया। ठीक है, रॉकफोर्ड हो गया, जिस भी भाई को चाहिए सब ब्रांड आपको मिल जाएगा। ये वाली यहाँ पे आप देख सकते हो, रॉकफोर्ड पाइनियर भी हो गया, जिसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा सबसे आखिरी में। ठीक है ठीक, ठीक है भैया। बाकी अगर इन सब की बात करें तो जो हमारे ब्लॉपंक के होते हैं वो बेस्ट ट्यूब आते हैं जी, इसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 6500 रुपए। 6500 रुपए। बाकी अगर आपको कोई, इसके अंदर पेटी इनबिल्ट आता है, यही सेटअप आपको मिलेगा, एम्पलीफायर का कॉस्ट बस अलग होगा और एक वायरिंग किट का। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जितने भी वूफर आपको दिखा रहे हैं, हाँ जी, इनमें कोई भी एम्प नहीं आता है, इनमें अलग से एम्प लगता है। एक बार एम्प कोई सा दिखा दे, एम्प अगर मैं आपको दिखाऊं भैया, ये देखिए, जैसे 4 चैनल एम्प मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा 4 चैनल एम्प रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का सेटअप मिलने वाला है, ये देखिए भाई। ठीक है भैया जी, ये हमारे प्रॉपर स्पीकर वगैरह। इसमें क्या होता है 4 चैनल में भैया, जैसे 2 चैनल एम की बात करते हैं जी, एक मैं आपको 2 चैनल एम दिखाता हूँ, एक मिनट भैया, 2 चैनल भी दिखा दीजिए। मैं इतने वायरिंग्स वगैरह भी उठा लेता हूँ, ये लीजिए, जो जो वायरिंग्स लगती हैं 2 चैनल एम में भैया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपका क्या होता है 4 चैनल एम, मतलब होता है भैया जो आपके एम्पलीफायर 2 चैनल का बता रहा हूँ, जो आपका एम्पलीफायर ओनली स्पीकर्स को आउटपुट देगा। ठीक है, कोई उसमें वूफर नहीं बजेगा, कोई बेस ट्यूब नहीं बजेगा। ठीक है, ये केवल हम लोग स्पीकर की आवाज, जिसको जैसा बूम बाम नहीं चाहिए, ज्यादा बेस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक अच्छा सा ऑडिबल सेटअप चाहिए जिसमें स्पीकर की खुल के आवाज आए, खुल के आवाज आए, उसके लिए हमारा होता है 2 चैनल एम्पलीफायर। सारे ब्रांड मिल जाएंगे इसमें भैया आपको, ये लीजिए, ये कुछ इस तरीके से होता है, छोटा सा होता है, इजी टू मेंटेन होता है, कहीं भी आपका इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये वूफर्स के लिए नहीं है, सिर्फ स्पीकर का आउटपुट, ये स्पीकर का आउटपुट बढ़ाने के लिए भैया। ठीक है, ये लीजिए, ये इसके अंदर आपको प्रॉपर बैचिंग मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर एक चीज खोल के बोलोगे तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, आपको ओपन कर देते हैं, आपको अगेन दोनों दिखा देते हैं। ये आप लोगों को मैं फर्क बताता हूँ, ये 4 चैनल एम्पलीफायर है, 2 चैनल एम्पलीफायर, 2 चैनल एम्पलीफायर, ये सिर्फ आपको जो है स्पीकर्स के आउटपुट बनाने बनाने के लिए होगा। इसमें जैसे भैया 2 ही चैनल होते हैं, आप पढ़ सकते हो, चैनल 1 एंड चैनल 2। अब इसमें मैं आपको गिनवाता हूँ, ये हमारा रियर स्पीकर के लिए आ गया। ठीक है, फ्रंट स्पीकर के लिए आ गया। ठीक है, और वूफर्स वगैरह के लिए आ गया, ये लीजिए जी। इस पे हम एक चैनल पे तो वूफर चला देंगे और एक चैनल पे हम स्पीकर चला देंगे, स्पीकर चला देंगे। हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रॉपर रहने वाला है, इस पे आपको वायरिंग सब चीज लिखी हुई आती है, जैसे जिसको RC केबल बोलते हैं जी, जिससे आप अपना गेन मेंटेन करोगे, दोनों में आपको आता है। देखिए इसमें सिंगल फ्यूज आता है भैया। ठीक है, बाकी आपको जैसे गेन वगैरह मेंटेन करने के लिए फ्रीक्वेंसी वगैरह, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, सब चीज है, सब चीज है इसमें, 4 चैनल 2 चैनल में सब चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, बाकी इस पे आप अपना थोड़ा सा अपना सेट कर सकते हो कि जैसा आपको आउटपुट चाहिए, चाहिए आउटपुट आपको क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 4 चैनल में भैया आपका सेम आपको ये प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें आप अपने बेस को भी मेंटेन कर सकते हो भैया, और स्पीकर्स को भी मेंटेन कर सकते हो एज वेल एज। अभी हम जो दिखा रहे हैं इससे और भी अच्छा आपको हाई एंड में दिखाने वाले, जिसमें आपको 2 एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे उन वूफर्स के लिए। हाँ, वो भी अपने पास मोनो भी मैं आपको दिखाऊंगा भैया। ये हमारा 2 चैनल हो गया। ठीक है, ये हमारा 4 चैनल हो गया। नॉर्मल 2 चैनल एम्पलीफायर की अगर स्टार्टिंग की बात करो तो 3000 रुपए का, 3000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और 4 चैनल की बात करें भैया तो 4000 रुपए से 4 चैनल एम्पलीफायर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 4000 रुपए से 4 चैनल, 3000 रुपए से ये 2 चैनल आपको, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप इसके अंदर बहुत से ब्रांड, जैसे आपने S&B भी सुना होगा भैया। ठीक है, किसी भाई ने अगर इंस्टॉल कराया होगा तो वर्ल्टेक के सबसे पुराने प्रीमियम, एक बार इसको भी ओपन करके दिखा दीजिए कितना प्रीमियम ये एम्प रहने वाला है। एक बार आप देख लीजिए, वर्ल्टेक आ रहे हैं इसकी बैचिंग पे। जी जी जी, तो ये भी अनबॉक्स करके दिखा देते हैं, बहुत ही प्रीमियम, ऑन वीडियो आपको सब चीज दिखा देंगे, ये सब फ्यूज वगैरह इसके साथ एक्स्ट्रा आता है। वर्ल्टेक में भी अपने 3-4 मॉडल आते हैं ना, 3-4 मॉडल मोनो वगैरह भी आपको इसमें मिल जाएगा। आपने सबसे हैवी वाला रखा, सबसे हैवी वाला। अब एक बार आप इसका एम्पलीफायर का वजन देखिए, ये देखिए भाई, आप तो वहां से नहीं देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ये देखिए, कंट्रोल, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बेस बूस्टेड, क्रॉस ओवर, बेस बूस्टेड, 4 चैनल एम्पलीफायर है ये, बिल्कुल बिल्कुल, 2 फ्यूज रहने वाला भैया। ठीक है, पर इसके जो चैनल के हिसाब से फ्यूज इसके बटे हुए होते हैं, बटे हुए हैं, ये इसकी पूरी आप कपलर की कनेक्शंस देख सकते हैं, आपके ग्राउंड, पॉजिटिव नेगेटिव, जो रिमोट वायर, सब चीजें इसके अंदर। ठीक है, ठीक है भैया, बिल्कुल। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये हमारा प्रीमियम आ गया। ठीक है, बहुत से मॉडल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आप इसके लिए क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक, हाँ है जी भैया, ये देखिए भाई, इस वाले के लिए आपको व्हाट्सएप पे क्वेरी करनी पड़ेगी। हाँ। इसमें क्या है, ये आपको ना हैवी वूफर भी आपका चला देगा और आपको स्पीकर भी चला देगा, हाँ जी, आराम से।
बाकी इसके अंदर अगर हम बात करें तो पाइनियर वगैरह भी आपको मिल जाएगा भैया। ये देखिए भाई, जो भी आपको 4 चैनल चाहिए, 2 चैनल चाहिए, पाइनियर चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए, जो आपको चाहिए जी मेरे को बताइए, मैं आपको पूरी वो क्वेरी करके दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपने कुछ अंडर सीट सबवूफर्स भी रखे हुए हैं। हमारे पे अंडर सीट सबवूफर भी मिल जाएगा, जैसे आपको पाइनियर हो गया, हाँ जी, सोनी हो गया जी, आफ्टर मार्केट चाइनीज में जैसे आप जाओगे JXL वगैरह ब्रांड हो गए, वो भी आपको मिल जाएगा जी, जी, लेकिन जी। एक अंडर सीट सब वूफर को क्या होता है भैया, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके कंपनी फिटेड स्पीकर है उसी में थोड़ा सा बेस को मेंटेन को हाई कर देना, हाँ, हाँ, विदाउट एम्पलीफायर, बस वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट करता है आपकी आवाज में और उसमें। बिल्कुल। बाकी अगर आपको अलग से सेटअप बनवाना है तो अंडर सीट वूफर भैया मैं कम रेकमेंड करता हूँ इसके मुकाबले, बेस ट्यूब के मामले उसका तो मजा ही अलग हो जाएगा। अगर आपने एक बार ये ऑडियो सेटअप करवा लिया जी, जिसमें आपको 4 स्पीकर या कंपोनेंट लगवा लो, चाहे स्पीकर लगवा लो, आपके ऊपर है जी, एक 4 चैनल एम्पलीफायर, एक एनक्लोजर के साथ, बिल्कुल, जो आपको कपलर टू कपलर कनेक्शन में, अगर आपको फैमिली के साथ जाना तो आप उसको बंद कर दीजिए, स्पीकर चलने दीजिए, अगर आपको अपने में चलानी है, आपको अगर म्यूजिक का शौक है तो आप इन सब ब्रांड को जानते हो अच्छे से। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, अभी मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको एक गाड़ी में पूरा अपना म्यूजिक का कॉस्ट कितना पड़ेगा, वो भी हमें बताएंगे, एवरेज बता देंगे कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक का आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम इससे जो अपना और हाई एंड वाला अपना सेटअप है वो वाला लगाते हैं, फिर आपको एक बार फिर दिखाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं अपने पास जाने माने ब्रांड आ चुके हैं। बिल्कुल। और अच्छे से अच्छा जो क्वालिटी दूंगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस बूफर के अंदर। ठीक है। बेस भी आपको दूंगा और क्लैरिटी भी दूंगा। ठीक है। लिख के आपको गारंटी दूंगा, जो चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप वो लगवाते हो, इंस्टॉल करवाते हो। ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो भैया आपको दिख रहा होगा एक सब वूफर को पेटीएम एनक्लोजर में कैसे डाला जाता है। ठीक है। ये जितने भी है, ये जितने भी है सारे सब वूफर पेटी के अंदर है, एनक्लोजर के अंदर। ठीक है। और एक बार MDF बोर्ड की क्वालिटी चेक कर लो भाई, बजा करके ये देखिए भाई, जब ये बेस फेंकेगा ना जी तो लगेगा कि कोई चीज आपने इंस्टॉल करवाई है, क्लैरिटी आपने इंस्टॉल कराया अपनी गाड़ी के अंदर। ठीक है जी। ये सब चीज जो है भैया ये हाई एंड रेंज होने वाले हैं, इसके लिए आपको 4 चैनल एम्पलीफायर के साथ साथ एक मोनो एम्पलीफायर की नीड पड़ेगी। ठीक है। यानी कि दो वायरिंग किट स्पीकर को भी बजाने के लिए आपके और वूफर को भी बजाने के लिए। ठीक है ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं भैया स्टार्टिंग से एक मोनो एम्पलीफायर जो आपको DD ब्रांड के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक बार मोनो एम्पलीफायर भी खोल के दिखा दीजिए। मोनो एम्पी मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, ये लीजिए। देखिए भाई डीडी के लिए डीडी का मोनो एम्पलीफायर लगा और उसके साथ अपना डीडी का 3 जैसे मोनो एम्पलीफायर मैंने आपको बताया जी, उसके साथ बेस कंट्रोलर तो रहेगा। ठीक है। ये इसका कपलर रह गया। ठीक है। आप पढ़ सकते हैं एक बार क्वालिटी, आप देख सकते हैं कि क्या चीज ये डीडी दे रही है। ठीक है। मोनो के अंदर ओनली वूफर्स के कनेक्शन होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपके स्पीकर नहीं बसते। स्पीकर के लिए आपको 4 चैनल एम्पलीफायर या 2 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल कराना पड़ेगा। जी जी जी। ये ओनली होता है आपके वूफर्स को बजाने के लिए, जो पीक टू पीक आपके वूफर को वॉल्यूम दे और सराउंडेड वॉल्यूम अच्छा दे। बिल्कुल ठीक बात है। आप देख सकते हैं एक बार इसके 3 आपको इसमें वो मिल जाता है फ्यूज प्रॉपर कपलर की फिनिशिंग देख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। इसके थ्रू आपका जो भैया बेस वगैरह रहने वाला है वो आप मेंटेन कर सकते हो अपना, और हर चीज लिखी गई है, गेन कितने पे रखना है, बेस बूस्ट कितना रखना है, लो पास फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, सब सोनिक कितना रखना है, और आपको फेस कितने पे सेट करना है। हाँ जी। तो ये मतलब प्रॉपर आपके वूफर को, हमारे वूफर को पावर देगा। ये पावर देगा और ऐसा पावर देगा जिससे आपको क्लैरिटी का भंडार मिल जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ आप अगर एक 4 चैनल या 2 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल कराओगे, ठीक है, तो ऑडियो में आपको आगे तक कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा, चाहे आपके यार दोस्त हो, ठीक है, या आप मोहल्ले में गाड़ी चला रहे हो, या आप अपना कहीं पर गाड़ी निकालोगे तो लगेगा कि बंदे ने सिस्टम इंस्टॉल करवा रखा अपनी गाड़ी के अंदर। ठीक है जी। ये बिल्कुल हाई एंड रेंज होने वाला जी। है। इसी में अगर मोनो में बात करें तो भैया आपको मोको ब्रांड भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए भाई 1500 RMS में, 1500 वॉट RMS के साथ है ये। ठीक है जी। ये पढ़ सकते हैं आप इसका, बहुत बढ़िया पूरी फ्रीक्वेंसी की फोटो वगैरह खींच सकते हैं आप। ठीक है जी। जो भी दिखाऊंगा आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। बिल्कुल। घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, एक बार इसकी भी खींच लीजिए। ये देखिए भाई ये 600 वाट का है, इसके साथ आप 600 वाट वाले ये सब वूफर चलाओगे प्यारी क्वालिटी, पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है। दोनों DD रेडलाइन ऑडियो का रहने वाला आपको। ठीक है। मतलब प्रीमियम रेंज ऑफ कस्टमर के लिए है। जो भी आपको क्वेरी होगी वो सब मैं आपकी पूरी करूंगा। और वो जो आपको पहले हमने खाली स्पीकर्स दिखाए थे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे वो वहाँ पे जो स्पीकर रखा हुआ है उसके लिए इस टाइप का एनक्लोजर आता है। खाली एनक्लोजर का क्या प्राइस होगा भैया? एनक्लोजर का जो प्राइस रहने वाला है वो 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 डिपेंड जैसे क्वालिटी चाहिए आपको। जैसे इस टाइप के अगर आप एनक्लोजर लोगे, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आपको भैया 2500 से 3000 तक के आपको रेंज में मिलने वाले। जी जी जी। बाकी जी, आपके ऊपर आपको कितना सब वूफर है, डबल कॉइल है, सिंगल कॉइल है, एक ही
कॉइल में आपको मतलब एक ही 18 आपको दो वूफर डालना है कि क्या डालना है, क्या क्या डालना है। हाँ जी, वो आपके ऊपर है। ये ये एक आपका मोको हो गया 1500 RMS, बॉशमैन 1500 RMS, और ये जो वूफर होता है ये होता है 500 RMS का। इस एक एम से आप 3 ऐसे वूफर रन कर सकते हो, चला सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। इस सब पे लिखा रहता है भैया, जैसे आप ये देख सकते हो 900 वॉट RMS, मतलब ये 1500 RMS का एम्प हो गया। इसके साथ आपका ये बहुत ये चलेगा, और एक कोई 600 वॉट RMS का आप चला सकते हो। ठीक है ठीक है। जिसके लिए आपको प्रॉपर वायरिंग करानी पड़ेगी, प्रॉपर आपको सब चीज कराना पड़ेगा जी। इसमें बात करें बॉसमैन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मोको भी देखने को मिल जाएगा भैया, दोनों ही बिल्कुल सेम एम्पलीफायर है, दोनों ही 1500 RMS। हाँ, दोनों का आउटपुट भी लगभग लगभग सेम है। हाँ जी। बाकी एक बात करें तो नाकामिची का मिल जाएगा 900 वॉट RMS, ठीक है, 6000 वॉट के अंदर, ठीक है। 6000 वॉट इसका ओरिजिनल नहीं होता, ये जो 900 वॉट RMS है ये इसका ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ये आपको पीक बता रहा है कि इसको इतना आउटपुट मिल सकता है, इतने पे रन कर सकता है। हाँ जी भैया, ठीक है जी। बाकी अगर इसमें हम बात करें तो एक आपको डीडी ऑडियो का, ठीक है, 12 इंच का इंक्लोजर के साथ आपको एक बार इस वाले को और नीचे जेबल वाले को अनबॉक्स करके दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं। और अभी वायरिंग्स की भी मैं बात करूंगा, हाई लो कन्वर्टर कैसे क्या क्या लगता है। अगर आप ऐसा सेटअप लोगे तो वायरिंग भी आपको अच्छी से अच्छी मैं रिकमेंड करूंगा भैया। जी जी जी। जो आपको स्कॉशे वगैरह ब्रांड हो गई या तो मॉन्स्टर वगैरह ब्रांड हो गई, हाँ जी, ये सब मैं आपको उस टाइम पे रेकमेंड करूंगा। ठीक है जी। ये देखिए भैया, अभी देखिए भाई आप लोगों के सामने डीडी ऑडियो का जो अपना 300 RMS का सब वूफर है वो वाला। एक बार आप इसकी पैकेजिंग देखिए। ये देखिए, स्पेशली ये वाला सब वूफर आप अपनी थार में डाल सकते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट रहेगा भैया। थार हो गया, आप स्कॉर्पियो क्लासिक कह लो, जिसके डिग्गी में जगह कम होती है और आपको आउटपुट के शौकीन हो, शौकीन हो। हाँ, तो ये चीज आपके लिए मैं ले आया। ये देखिए भाई, इसको दीपक भाई यहाँ पे अनबॉक्स कर रहे हैं। आपको बोला था ना, एक जो चीज होती है सबसे पहले इसकी कौन देखे भाई, फैट कौन के अंदर अपना वूफर रहने वाला है। प्रॉपर आप देख सकते हो 3-4 तरीके की कौन अपनी वूफर के अंदर आती है, क्वालिटी देख सकते हो, रेड लाइन डीडी ऑडियो देख सकते हो, ब्रांड प्रिंटेड मिलेगा। ये इसके कपलर्स के कनेक्शंस आ गए भैया, ठीक है। और इसके थ्रू जो बेस आपको मिलने वाला है ना भैया जी, मुझे नहीं लगता कि आप अगर एक बार ये सुन लोगे तो आप किसी और की तरफ जाओगे। जाओगे भाई, जो ब्रांड है वो ब्रांड है, ब्रांड है बिल्कुल। उसके साथ अगर बात करें तो आपको वारंटी कार्ड भी प्रॉपर मिलने वाला है डीडी रेडलाइन की तरफ, ठीक है ठीक है। कस्टमर केयर का सर्विस नंबर भी मिलने वाला आपको, कोई दिक्कत हो जाए 1 साल तक की गारंटी इसमें रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद हमारा JBL आ जाता है, इसको एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। ये दोनों वूफर जो है आपके, इनकी जो एयर है वो अंदर ही रहती है, एयर पास इनमें नहीं होती है। और ये जो एनक्लोजर आप अलग से बनवाते हैं इनमें एयर पास होती है, राइट? हाँ जी भैया। जी जी जी। तो आप लोगों को ये वाला भी एक बार अनबॉक्स करके दिखा देते हैं JBL का। आपका स्पेस कम लेगा बट आपको बहुत अच्छा देगा, बहुत देगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई इसको थोड़ी अनबॉक्स करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये देखिए भाई, आप लोगों के सामने लाइव अनबॉक्सिंग चल रही है अपनी JBL के सब वूफर की। सेम DT का सब वूफर होगा, सेम आपका JBL का होगा, सिर्फ आप इसकी बनावट देखिए। ये देखिए भाई, इसमें आपको ना ग्रिल्स मिल जाती है, इससे ना ये सेफ्टी रहेगी। और भाई इसका कौन का आपको सेफ्टी फुल रहेगी भैया। ये देखो यार, ये चीज होती है जो भाई प्रीमियम एक ब्रांड आपको प्रोवाइड करवाता है, लेकिन एक चाइनीज ब्रांड जी आपको वो चीज अपने क्वालिटी में नहीं देता। जी जी। आप अगर इसको डिग्गी में डालते हो जी, इसको आप लगेज के साथ डालते हो, ठीक है, ये आपके बेस को जी जो मैग्नेट के कॉइल रहती है जी, इस पे कभी आपको इफेक्ट नहीं होने देगा ड्रम क्वालिटी पे। बिल्कुल ठीक बात है, सेफ्टी रहेगा, लगेज डालो चाहे कुछ डालो, कुछ भी डालो, ठीक है। और सबसे बड़े भाई साइज देखो यार, कितना प्यारा इसका साइज है। मैं कह रहा हूँ ये एनक्लोजर हो गया थोड़ा अच्छा बेस हैवी सेटअप लगाने के लिए। ये हो गया आपका, अगर आपके पास साइज की दिक्कत है, आपको कम थार हो गया, थार हो गया जी, XUV700 हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, या ऐसी कोई ऐसा कोई बंदा जिसको अपनी डिग्गी में जगह भी रहे, जैसे लगेज वगैरह आ जाओ, हाँ और जगह भी कम ले और आउटपुट भी अच्छा मिल जाए। बिल्कुल, एक बार उस वाले को भी इसके ऊपर रख दीजिए, डीडी वालों को। मैं दोनों का कंपैरिजन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लीजिए भैया, ये देखो भाई, दोनों ही बॉक्स बिल्कुल सेम है। ये आपको 300 वॉट RMS में मिल जाता है, ये आपको 1200 वॉट में मिलता है। वॉट पे मत जाइए बट क्वालिटी पे जाओ। ये पीक पावर 1200 वॉट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया। इसकी पीक वॉट कितनी थी? इसकी पीक वॉट आपको मैं दिखा देता हूँ भैया, एक बार बॉक्स पे देखनी पड़ेगी। 600 वॉट पीक का। ये देखिए भाई, 600 वॉट पीक पे ये चलेगा और ये 1200 वॉट पे चलेगा। 1200 वॉट पे चलेगा। और जो अपनी बेस ट्यूब आती है वो आती है भाई 1500 वॉट। 1500 वॉट इस टाइप की आपको कुछ बेस ट्यूब रहने वाली है जी, जिस ब्रांड का बोलोगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 1500 वॉट, 1300 वॉट, 1400 वॉट जो आप बोलोगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये होता है एक बेस ट्यूब जिसमें आपको डिग्गी में थोड़ा सा जगह ज्यादा जाने वाला, जगह ज्यादा ये होता है कंपेटेबल चीज, इसको आप कहीं भी रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो सीट फोल्ड करके डाल दो अपनी गाड़ी के सीट के नीचे, ठीक है, सीट के ऊपर कहीं भी डाल दो, डिग्गी में डाल दो, जगह इतनी ही लेगा जी, लेकिन आउटपुट से आपका मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी भैया, अब बात कर लेते हैं। अब आप हमको हमने आप लोगों को सारे जो बेस्ट सब वूफर से वो दिखा दिए। इसके अलावा भी अगर हमारे कस्टमर को बोले मुझे ये नहीं ये ब्रांड दिला दो,
फोटो भेजो, व्हाट्सएप पे क्वेरी करो, आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग के साथ मिलेगा? विद प्राइसिंग मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया रेट की गारंटी दूंगा। ठीक है, सस्ते से सस्ता आपको घर बैठे आइटम मिल सकता है, सिंगल पीस। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ भाई, अब बात करते हैं मेन वायरिंग। अब भाई इतनी प्रीमियम चीज आपने हमें दिखाई है, तो इन्हें चलाने के लिए भाई वायरिंग भी अच्छी चाहिए। वायरिंग भी अच्छी चाहिए, बिल्कुल। अब मान लीजिए हम दो एम्प लगाते हैं तो उनमें दो वायरिंग किट लगेगी? दो वायरिंग किट लगेगी, जितने एम्पलीफायर लगेंगे उतनी वायरिंग किट लगेगी। ठीक है, फोर चैनल एम्पलीफायर लगा लो, टू चैनल लगा लो, चाहे मोनो लगा लो। ठीक है, मोनो मैंने आपको बता दिया किसके लिए यूज होता है, ओनली बेस को चलाने के लिए। बेस को चलाने फोर चैनल किसके लिए यूज होता है, जो आपके स्पीकर को भी चलाएगा और बेस को भी चलाएगा, और टू चैनल ओनली स्पीकर के लिए। ठीक है, सब चीज मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि मोनो, फोर चैनल, टू चैनल एम्पलीफायर होता क्या होता क्या। अभी देखो एक फैक्टर और एक आ जाता है, अगर आप एक अच्छा फोर चैनल भी ले लोगे तो उससे आप इसको रन कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, इसको भी रन कर सकते हो, बेस ट्यूब को और अपने चार स्पीकर को रन। लेकिन आप बोलोगे कि अगर मैं इसके पीछे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को अगर आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा तो जी, उसके लिए मोनो एम्पलीफायर है अपने पास। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 1500 RMS है, इनको तो मैं कह रहा हूँ इसका गेन पूरा खोल दिया, फूक देगा, फूक देगा, दो दो उठाने पड़ जाएंगे, दो उठ जाएंगे इससे, दो उठ जाएंगे। अब भाई वायरिंग्स यहाँ पे आएगी, कौन कौन सी वायरिंग्स स्पेशली रहती है भैया? देखो ये वायरिंग में आता है 4 गेज 2 गेज 8 गेज। 8 गेज का जो होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इनबिल्ट वाला दिखाया, हाँ जी, या अगर किसी ब्रांड में जाओगे जैसे ब्लोपंग जैसी ब्रांड में जाओगे जी, स्कॉशी जैसी ब्रांड में जाओगे, अदर किसी ब्रांड में जाओगे, तो ये सब जो होती है प्योर कॉपर आइटम रहती है वायरिंग होती है, इसके थ्रू आप सब कुछ चला सकते हो। जैसे 4 गेज की वायरिंग किट है अनप्लग ब्रांड के अंदर। ठीक है भाई, अनप्लग की है, आपने स्टीरियो काफी सुने होंगे इसके, बहुत इसके आपने सुने होंगे, ये आपको मार्केट में कोई नहीं दिखाने वाला भाई। ये आपकी स्पेशली मैं बोल सकता हूँ, ये एक बार के लिए चाइनीज हो जाएगी। हाँ। ये भी चाइनीज नहीं है, बट ये आपकी प्योर अमेरिकन ब्रांड है। अगर आप एक बार लगाओगे बेस, आपको आप एक बार इसको इंस्टॉल करा लो मेरे कहने पे, बिल्कुल एक झंझट से आप फ्री हो जाओगे कि कभी आपकी गाड़ी में फ्यूज जैसे उड़ने की शिकायत आएगी। बिल्कुल, अब जैसे ये भी आपका जो है चाइनीज ब्रांड नहीं, ये JBL तो शायद चाइनीज ब्रांड है, लेकिन ये आपका अमेरिकन ब्रांड है, ये आपका चाइनीज ब्रांड है, ये भी आपका शायद मेरे हिसाब से हाइब्रिड ब्रांड है। हाइब्रिड ब्रांड है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब भाई वायरिंग देखो भाई, स्कॉशे रखा है, स्कॉशे मॉन्स्टर की मिल जाएगी, अनप्लग की मिल जाएगी, ब्लॉपंग वगैरह भी मिल जाएगी, नाका मिची भी मिल जाएगी। ठीक है, जो आप बोलोगे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इन सबको चलाने के लिए भैया एक आता है हाइलो कन्वर्टर। ये क्या काम करता है हाइलो? ये आपके बेस को मेंटेन करता है, जैसे आपने सारा सेटअप करा लिया। ठीक है, ये आपके कंपनी फिटेड स्टीरियो रहेगा चाहे कुछ रहेगा, उसको फुक तो नहीं देगा ये। हाँ जी, ये उसके लिए यूज होता है। अच्छा, और इससे मैंने आउटपुट को पर चैनल ना डिवाइड कर देता है, अच्छे से क्लैरिटी खोलता है। ठीक है, ये आपकी गाड़ी में से हमिंग को भी कम कर देता है। हाँ जी, आपने वायरिंग तो करा ली, लेकिन उसके बाद होता है जैसे कभी चिड़चिड़ हो रही है, पीपी हो रही है, टुन टुन, वो सारी साउंड इसमें से खत्म हो जाती है। ठीक है ठीक है, इसमें काफी ब्रांड मिल जाएंगे आपको जी, वो आपको व्हाट्सएप पे क्वेरी करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी भैया, देख सकते हो भाई आपको जितने वूफर पॉसिबल हो सकते थे हमने शो करने की कोशिश करी, आप लोगों को सारे वूफर्स हम आप लोगों को शो कर रहे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं सब कुछ आप देख सकते हो आपके सामने, JBL हमने दिखा दिए। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसी वीडियो में साथ के साथ, आपको अगर आपको इनको चलाना है तो भाई कुछ भाई के पास एंड्रॉइड सिस्टम लगाए, हाँ जी, जिसका आउटपुट थोड़ा अच्छा हो, तो एक अभी न्यू लॉन्च स्टीरियो है। ठीक है, ब्लोपंग FT लॉन्ड्रेबल 900। हाँ जी हाँ जी, जिसका आउटपुट भी अच्छा है पर चैनल। ठीक है, प्लस में इसकी जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आपको अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आपको ऑनक्यो वगैरह भी मैंने अपनी वीडियो में रिकमेंड किया है। ठीक है, ऑनक्यो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप यूज करते हैं इसको तो बहुत बढ़िया, काफी अच्छा खासा टच रहने वाला है और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ठीक है, जिसकी अगर हमने क्वांटिटी रखा तो हमने उसकी R&D कर रखी है भैया, R&D कर रखी कि हमें आगे जाके या अभी कोई कंप्लेंट तो नहीं आएगी इसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, आप इतना खर्चा तो कर लोगे, लेकिन आप अगर आप बोलोगे कि मेरे पे सिस्टम लगा कोई सा और, ठीक है, तो आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास आपको स्पीकर्स भी थोड़े हेवी वगैरह मिल जाएंगे, जिसको सारी डिमांड के बाद हम लोग भाई स्टैग लियो, जो कि आपका चाइनीज नहीं है, इटली का ब्रांड है, वन ऑफ द प्रीमियम है। बिल्कुल ठीक है भैया, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सी क्वेरी हमने देखी है रेनबो ब्रांड के दिखाने के लिए, ये रेनबो भी आपका ब्रांड है, ये देखिए भाई। ठीक है भैया, ठीक है, किसी भाई की डिमांड रहती है कि JL ऑडियो हमारे को वूफर चाहिए, ठीक है, स्पीकर चाहिए या कुछ चाहिए जी, तो आपका भाई आपको प्रोवाइड करवाएगा, एक क्वेरी करनी पड़ेगी बस। ये देखिए भाई, ये लीजिए JL ऑडियो के कंपोनेंट्स आपको हमारे पास अवेलेबल है, C1 C2 दोनों मॉडल मिल जाएंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट रहने वाला है भैया जी, इसकी कंपोनेंट मैंने आपको स्पीकर वाले वीडियो में बताया, जिसमें ट्यूटर वगैरह अलग से रहता है वो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ये हमारा कोएक्सल स्पीकर रहने वाले। ठीक है, इसका और इसके आउटपुट में थोड़ा सा फर्क रहता है जी जी जी, ये वीडियो बस एक जो जो हमारे पास अवेलेबल है आपके ऑडियो के लिए, हाँ जी, वो हमने इसमें हाईली रिकमेंडेड किया है। ठीक है, क्योंकि अब से हमने भाई अपना ऑफिशियली एक्सक्लूसिव
हमने ऑडियो सेटअप पे भी अपना सब चीज जमा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर देखो भाई, जैसे देख सकते हो, आपको अगर ओवल स्पीकर चाहिए तो वो भी भाई के पास लगभग सब चीज आपको भैया सब चीज मिलेगी। नाका मिची भी आपको मिलेगा, जीटो भी मिलेगा, ऑडिशन भी मिलेगा, ठीक है, प्राइमर्स भी मिलेगा जी, स्टेज थ्री भी मिलेगा, ठीक है, जीटो आपको मैंने दिखा दिया, ब्लॉपंग भी मिलेगा और मोरेल भी मिलेगा। मतलब ये हम क्यों दिखा रहे हैं कि हम कहीं से माल उठा के नहीं लाते, उठा के नहीं लाते, एक ही घर के अंदर आपको इतना सारा स्टॉक मिलने वाला है, आप एक बार देख सकते हो भाई प्रॉपरली। हाँ जी भैया, आप लोग देख सकते हो। अगर आप किसी स्टीरियो की बात करोगे जी, तो स्टीरियो में भी काफी रेंज मैंने आपको दिखाई है, ब्लॉपंग हो गया, हाइपरसोनिक हो गया, निपोन, मिंडा, ब्लॉकबस्टर, मैक्सफिट वगैरह सब चीज अपने पास अवेलेबल है। एलईडी सेटअप की अलग से वीडियो है, एंड्रॉइड के अलग से है, एंड्रॉइड के अलग से है, स्पीकर के अलग से है। अभी आप लोग बोलोगे कि इसके बाद वीडियो हम लाएंगे प्रीमियम रेंज ऑफ स्पीकर, वो भी हम दिखाएंगे, सब चीज दिखाएंगे, ठीक है जी। बाकी विपुल भाई और दीपक भाई का नंबर आपको दोनों भाई है डिस्प्ले पे शो हो रहा है, किसी को भी कोई भी क्वेरी हो वो आप दोनों भाई से कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे ये बताइए, एक सबवूफर के साथ चार स्पीकर, एक एंड्रॉइड, दो एम्प या फिर एक एम्प का स्टार्टिंग सेटअप बजट क्या मान के चले? भैया देखिए, अगर हम एक नॉर्मल सा, जैसे मैंने एक आपको इनबिल्ट वाला दिखाया जो 4,500 का मिलने वाला है, हाँ जी, उसको हम थोड़ा सा कम रेकमेंड करते हैं क्योंकि आउटपुट थोड़ा कम होता है। बाकी अगर हम एक बात करें, जैसे JBL का आप वूफर ले रहे हो जी, और 4-चैनल एम्पलीफायर ले रहे हो जी, चारों डोर में स्पीकर ले रहे हो जी, इसकी अगर हम बात करें तो भैया 20-22-25,000 के अंदर आपको एक अच्छा सा पैकेज कॉम्बो मिलने वाला है, ठीक है। 20,000 रुपए में आपको दो कोएक्सल स्पीकर के साथ जी, 22,000 रुपए में आपको एक कंपोनेंट, एक कोएक्सल, JBL का वूफर, 4-चैनल एम्पलीफायर, वायरिंग किट के साथ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। 25,000 रुपए में दो कंपोनेंट दूंगा जो हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है भैया, JBL ले लो, प्राइमर्स ले लो, जो आप लोगे, ठीक है। अगर मैं जानना चाहूँ हाई एंड में जाते हैं तो उसका सेटअप का क्या प्राइस से स्टार्ट? भैया अगर हाई एंड में जाओगे तो भैया अगर स्पीकर वूफर वगैरह सबकी बात लेके चले तो 30-35 मान के चलो, ठीक है, 50 तक भी जा सकता है, आपको स्पीकर कैसा चाहिए, ठीक है। अगर JL ऑडियो का करवाना है जी, या हाई एंड हाई करवाना है आपको, तो वो भी अपने पास मैंने आपको सब चीज दिखा दी वायरिंग वगैरह के साथ, ठीक है। हाँ जी भैया, तो मतलब कंक्लूजन यही निकल के आता है, अगर आपको इन सब की तरफ जाना है तो भाई ये आपका 40-50,000 रुपए की रेंज का सेटअप है भैया। मुझे नहीं लगता, अगर किसी को दिल में पसंद आ गए तो पैसा मायने रखता नहीं रखता भाई, नहीं रखता। शॉप के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। लाख लाख डेढ़ लाख के हमने ऑडियो सेटअप किए और आपको विटारा के अंदर ही दिखाए, चाहे अदर गाड़ी में आपको हमने दिखाया दिखाए हैं भाई। अगर किसी भाई को क्लैरिटी वाला सिस्टम चाहिए तो मेरी तरफ से आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं जी, एक बार काम कराते हैं जी, थोड़ा बढ़िया कराइए। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल। ये बात बोलने वाली बात मुझे अच्छी लगी, बाकी जितनी कोशिश हो सकती थी हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ऑडियो में और भी अच्छी अच्छी जो भी प्राइस हमारे पास रेंज आती रहेंगी और मटेरियल आता रहेगा, सब वूफर आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए यही एंड करें, काफी लंबी वीडियो हमने 30-35 मिनट की वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए, बनाते हैं भाई वीडियो आप लोगों का 30-35 मिनट के, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे पूरे दिन की मेहनत है, दिन की मेहनत लगती है। बिल्कुल, सब कुछ हम अरेंज करते हैं, सब कुछ हम सेटअप आप लोगों को दिखाते हैं। हमारी वीडियोस को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, जो करना करिए, लेकिन अपना प्यार बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐसे ऐसे कई ऑडियो सेटअप आपको दीपक भाई दिखाने वाला आपका, ठीक है। ऑडियो की बात कर लो, सिस्टम की बात कर लो, स्पीकर की बात कर लो जी, अगर इसमें घुसे तो अच्छे से करेंगे भैया जी, जितने अच्छे से अच्छे रेट होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। ये दीपक का ऑन वीडियो कमिटमेंट है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई लोगों, आज की वीडियो की इतनी, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वारी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बिल्कुल। और जिसको भी ऑडियो सेटअप कराना तो हमारे दीपक भाई से कॉन्टेक्ट करा लेना। थैंक यू सो मच दीपक भाई, और थैंक यू सो मच भाई लोगों, आपने वीडियो देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय बाय।